नमस्कार, बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं TV 27 न्यूज। वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। वाराणसी के दौरे यानी काशी में आज फिर से नतमस्तक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आधी रात को पीएम ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमा का आज अनावरण भी करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीर गोवर्धन में सभा को संबोधित करेंगे। 13,000 करोड़ की 36 परियोजनाओं की आज सौगात प्रदेश को मिलेगी। 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी और स्वतंत्रता भवन के कार्यक्रम में शिरकत भी करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी पूर्वांचल को 36 परियोजनाओं की आज सौगात। कल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ निरीक्षण करने के लिए विकास परियोजनाओं की पहुंचे हैं और रात में ही दोनों नेता को देखकर लोग जो है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरें याद की हैं, 10 बजे प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे थे, जिसके बाद उनका स्वागत करने के लिए रिसीव करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे। इसके बाद की ये तस्वीरें हैं, शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं। ये तस्वीरें उसी मार्ग की है, शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग है जहां का निरीक्षण हुआ है। और आज 13,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात प्रदेश को मिलने की उम्मीद। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी समय की, शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, और सिर्फ इतने नहीं, पीएम मोदी और सीएम योगी एक ही गाड़ी में यहां पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। प्रधानमंत्री फ्रंट सीट पर नजर आ रहे थे तो बैक सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए नजर आ रहे थे। तो ये तस्वीरें आज की हैं, पहुंचते ही एक ही गाड़ी में बैठ करके, देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जब रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए एक तरीके से कहें तो नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ वाराणसी दौरे पर जो लोग वहां पर जुटे हुए हैं वो पहुंचे थे। आज 10 बजे संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कार दिया जाएगा। कार्यक्रम क्या क्या आज होने वाला है वो सुनिए। 11:15 बजे संत गुरु रविदास जन्मस्थली पर पूजन दर्शन होगा। 11:30 बजे गुरु रविदास की 647वीं जयंती पर समारोह। आज का ये पूरा कार्यक्रम बता रहे हैं, 1:45 से एक तकरीबन 1:45 के आसपास 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब प्रधानमंत्री रात में पहुंचे थे और ये उस वक्त की तस्वीर है। पंकज तिवारी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, कल की तस्वीर दिखा रहे हैं और आज के कार्यक्रम को लेकर के भी दर्शकों को बता रहे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय काशी दौरे पे काशी में पहुंच चुके हैं और जो आपने तस्वीरें दिखाई वो कम से कम ये इंडिकेट कर रही है कि काशी के डेवलपमेंट का जो बीड़ा प्रधानमंत्री ने उठाया था अपने संसदीय क्षेत्र का, काशी को क्योटो की तर्ज पे जो डेवलप करने की बात कही थी उसको कहीं ना कहीं धरातल पर उतारा जा रहा है। और इसी को लेकर के जब रात को वो वाराणसी में पहुंचे और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको रिसीव किया तो दोनों लोग एक ही गाड़ी से निकले और शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का पैदल चल करके निरीक्षण भी किया और देखा कि जो डेवलपमेंट की जो तमाम योजनाएं जो काशी को दी गई हैं उसमें कितना डेवलप किया गया है। हालांकि पूरे रास्ते में दोनों तरफ से बैरिकेड किया गया था और लोग रात में भी खड़े थे उनके स्वागत के लिए, फूल की वर्षा की गई उनके गाड़ी पे। और आज का जो कार्यक्रम है, आज वो BHU जाएंगे और वहां पे जो तमाम तरह की प्रतियोगिताएं हैं, संसद प्रतियोगिताएं हैं उनमें शरीक होंगे और उनमें जो जो विजेता होंगे उनको पुरस्कृत करेंगे। उसके बाद संत रविदास के जन्मस्थली जाएंगे, वहां पे मंदिर में उनके पूजा अर्चना करेंगे। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 को भी एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो जातिगत संक्रमण की समस्या है जो हर पार्टी कहीं ना कहीं भुनाना चाहती है। तो एक तरह से माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक तरह से शंखनाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी,
लगभग 13,000 से ज्यादा 13,000 करोड़ से ज्यादा के एक तरह से विकास परियोजनाएं जो है। पंकज एक सवाल ये भी कि क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी जाएंगे और काशी के दरबार में भी एक तरीके से कहें मत्था टेकते हुए नजर आएंगे काशी विश्वनाथ? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि क्योंकि काशी में सीएम है तो पीएम है दोनों लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि काशी कॉरिडोर भी उनका सबसे बड़ा सपना था विश्वनाथ कॉरिडोर, तो वहां भी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अभी यही माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो 36 परियोजनाएं हैं जिनसे काशी का आगे डेवलप करना है इसको भी जो है कि काशी को समर्पित करेंगे। 24 परियोजनाएं ऐसी है जिसका लोकार्पण करेंगे और 12 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया जाए। एक बार देखा जाए तो काशी से कहीं ना कहीं बिहार और झारखंड को भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और एक ही गाड़ी में पीएम और सीएम दोनों लोगों का जहना कहीं ना कहीं विपक्ष को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो जो लगातार विकास की बात कर रही है उसको अब धरातल पर उतारा जा रहा है। ये जो पीएम का दौरा है खास इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ठीक एक महीने बाद ये दूसरा दौरा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या आए थे और अयोध्या के विकास की बात की थी और अब कहीं ना कहीं कल 22 फरवरी को वो काशी में पहुंचे हैं और काशी को एक बार फिर से बड़ी सौगात देने जा रहे हैं विकास की। तो जाहिर सी बात है बाकी जो स्टेट है उनकी भी कहीं ना कहीं नजर इस पे टिकी हुई है। पंकज आप ना नजर बनाए रहे हो और हमारे साथ बने रहिए, जरा ये तस्वीरें जो है क्योंकि ये रात की तस्वीरें हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफिले पर, और देखिए तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बैठे हुए हैं और पीछे सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं और पूरे सड़क पर फूल से तमाम जो कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं क्योंकि संसदीय क्षेत्र है उनका वो यहां पर नजर आ रहे हैं और इसीलिए अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले को कुछ समय के लिए धीमा कर दिया था जिससे तमाम जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री को देख सके और प्रधानमंत्री की एक झलक पा सके। और ये तस्वीरें उसी समय के 45वें दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें देखिए पंकज, ये तस्वीरें वाकई महत्वपूर्ण है और रात में 10 बजे इतने सारे लोग वहां पर सड़कों पर दोनों तरफ नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। 45वां दौरा है, कैसे इसको देख रहे हैं? जी देखिए, ये कहीं ना कहीं ये तस्वीरें इंडिकेट कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का जो एक तरह से जो लोगों के मन मस्तिष्क में जो एक उनके प्रति प्रेम थी, एक जो भावना थी उनको देखने की उनको सुनने की, वो अभी भी कायम है क्योंकि रात के समय में बैरिकेड पे लोगों को जाकर के और काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाड़ी पे फूलों की वर्षा करना कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता को वहां पे इंडिकेट करता है और ये कबो बेस हर स्टेट में प्रधानमंत्री के जाने के बाद ऐसा दिखाई देता है। तो जो एक लोगों के मन मस्तिष्क में जो बात बैठी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और उसको चरितार्थ करते हैं, तो ये जो है कि जनप्रिय भावना अभी भी लोगों के पास है, आप चीजें तस्वीरों में देख सकते हैं और आने वाले वक्त में इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा क्योंकि जिस तरह से बीजेपी आम लोगों के पास जाना चाहती है और विकास कार्यों को लेकर के जाना चाहती है कि आपके लिए क्या कुछ बीजेपी ने विकास किया है और अगला रोड मैप आपके लिए क्या बीजेपी देगी, बीजेपी गवर्नमेंट देगी, इसका सीधा फायदा आने वाले वक्त में आने वाले चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस दौरे से मिलेगा। पंकज बड़ी जानकारी आप लगातार दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। दर्शकों को इन दो तस्वीरों के साथ दूसरी खबर की तरफ लिए चलते हैं। दुनिया भर के तमाम नेताओं को पीछे छोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। दरअसल मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे ने विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं की सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के तमाम सभी शीर्ष नेताओं को लोकप्रियता के मामले में पीछे पछाड़ दिया है और वो पहले पायदान पर काबिज हो गए हैं। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर अपनी जगह बना पाए, इससे पहले भी लोकप्रियता के मामले में दुनिया के तमाम नेताओं के बीच शिखर पर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लिस्ट के सामने आने के बाद पश्चिमी देशों के नेताओं भी इस बात को मान रहे हैं कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का कोई तोड़ नहीं है। वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सबल और सफल नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जारी इस आंकड़े ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता में आज भी कोई कमी कसर नहीं नजर आती है। इससे पहले दिसंबर 2023 की रिपोर्ट में भी पीएम मोदी को
76% अप्रूवल के साथ दुनिया में शीर्ष पर पाया गया था। सबसे बड़े पायदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं और इस बार 2% ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी के कामकाज पर संतुष्टि जताते हुए अपने नेता के तौर पर मंजूरी दी है। और इस सूची में पीएम मोदी के बाद 65% अप्रूवल के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्राडोर दूसरे स्थान पर है। 63% के साथ अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली को तीसरा स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पूरे विश्व में सबसे सर्वोच्च नेता के तौर पर देखा जाता है। लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री सबसे आगे हैं। अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। हलाला सर्टिफिकेट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसटीएफ ने 18 कंपनियों के डायरेक्टर को नोटिस भेज दिया। इस मामले में कंपनियों के डायरेक्टर को पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। गैर कानूनी तरीके से सर्टिफिकेट देने का ये पूरा आरोप उन पर लगा हुआ है। अनुमति देने वाले अधिकारी भी जांच के दायरे में आएंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एसटीएफ जल्द अधिकारियों को तलब कर सकती है और ईडी भी जल्द इस मामले की जांच करती नजर आ सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हलाला सर्टिफिकेट मामले से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है, जहां साफ तौर पर कार्रवाई को लेकर के आगे की 18 कंपनियों को या यूं कह लें कि गैर कानूनी तरीके से जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं, अब उन पर कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ईडी भी जल्द मामले की जांच कर सकती है। कैसे अनुमति दी गई, क्या पैमाने तय किए गए और किन पैमानों से नाप करके आगे सर्टिफिकेट दिया गया, इसी पर यह कार्रवाई। अगली खबर की तरफ ले चलते हैं, जो तेलंगाना से निकलकर सामने आ रहे हैं। सड़क हादसे में विधायक की मौत की खबर सामने आ रही है। बीआरएस की विधायक लस्या नंदिता की मौत सड़क किनारे डिवाइडर से टकराने से हो जाती। कार सिकंदराबाद सीट से विधायक थी लस्या नंदिता, जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में विधायक की मौत हुई है। बीआरएस की नेता है, कार इनकी अचानक से जा डिवाइडर से टकराती है। जहां तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, डिवाइडर पर जा ये गाड़ी टकराती है, जिसकी चलते सड़क किनारे लगे डिवाइडर से तेज रफ्तार कार से टकरा जाती है। मौके पर ही इनकी मौत हो गई। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बीआरएस की विधायक लस्या नंदिता की मौत की दुखद खबर सामने आ रही है। और ये दर्दनाक हादसा तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, सड़क किनारे डिवाइडर से गाड़ी अचानक से जा टकराती है, जिसमें विधायक तेलंगाना की सवार होती है नंदिता, और इस हादसे में भीषण हादसे में मौके पर ही उनकी मौत की खबर सामने आई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां, और ये हादसे की वो तस्वीर है, और पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। आप देख पा रहे हैं आगे का बोनट पूरी तरीके से टूट चुका है, ध्वस्त हो चुका है, और इस हादसे में विधायक की मौत भी हो जाती है। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही विधायक की मौत। लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी शरद पवार गुट को चुनाव आयोग की ओर से नया चुनाव चिन्ह मिल चुका है। नए सिंबल में एक व्यक्ति को तुरहा बजाते हुए देखा जा सकता है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि महाराष्ट्र के इतिहास में दिल्ली की गद्दी के कान खड़े करने वाले छत्रपति शिवाजी राय का शौर्य आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ है। शरद चंद्र पवार के लिए गौरव का विषय है। महाराष्ट्र के आदर्श फुले, साहू अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिभा प्रगतिशाली विचारों के साथ ये तुतारी शरद पवार के साथ दिल्ली के सिंहासन को हिलाने के लिए एक बार फिर से बिगुल बजाने के लिए तैयार है। आपको बता दें, इससे पहले चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना था और पार्टी का मूल चुनाव चिन्ह जो है अजीत गुट को सौंप दिया था, जिसके बाद शरद पवार गुट को नया सिंबल सौंपा गया है। दरअसल ये सब तब हुआ है जब अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार की पार्टी के विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में जाकर शामिल हुए, जिसके बाद एनसीपी में दो पाड़ हो गया, पार्टी टूट गई, चुनाव चिन्ह जो है अजीत पवार के पास चला गया और अब ये नया चुनाव चिन्ह शरद गुट को मिल गया। शरद पवार को ये नया चुनाव चिन्ह मिल गया। लंबी लड़ाई दोनों पार्टी में लगातार चलती रही और उन सब के बीच अब तुरहा बजाते हुए एक आदमी का तुतारी, जिसको कहा गया है, तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें चल रही हैं, यहां पर देखिए तुतारी इसी को कहते हैं, जो एक तरीके से बिगुल की तरह है।
महाराष्ट्र में अमूमन आपने पारंपरिक नृत्य हो या पारंपरिक जब भी महाराष्ट्र का कोई आयोजन होता है तो उसमें इसी तुतारी को आपने बजाते हुए देखा होगा और इसी तुतारी का नया सिंबल अब शरद पवार गुट को मिल गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ ले चलते हैं। जो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, 11वां दिन आज है, एमएसपी पर गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार बीते 10 दिनों से जारी है। किसान मोर्चा आज देशभर में आक्रोश दिवस के रूप में मना रहा है। आंदोलनकारियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्यवाही भी शुरू हुई है। किसान मोर्चा आज देशभर में आक्रोश दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहा है। किसान आंदोलन के कारण ट्रैफिक अलर्ट भी राजधानी में किया गया है। किसानों की मांग और इन सब के बीच लगातार 10 दिन से जारी गतिरोध आज 11वां दिन इसका, और इस गतिरोध को खत्म करने के लिए लगातार गति के साथ सरकार कोशिश और प्रयासरत नजर आती है। लेकिन इन सब के बीच जो खबर सामने आ रही, किसान मोर्चा आज देशभर में आक्रोश दिवस के रूप में ये दिन मनाने वाला है और आज इसको लेकर के पुलिस प्रशासन और तमाम राज्यों के खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। किसी भी तरीके की कार्यवाही से निपटने के लिए इनकी तैयारी है, क्योंकि किसान भारी संख्या में ट्रैक्टर, ट्रॉली और हाईली ऑक्यूपाइड मशीनरी लेकर बॉर्डर्स पर तैनात। अगली खबर प्रयागराज से निकलकर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला सामने रखा जाएगा। कल भी सुनवाई हुई थी शाही ईदगाह मामले में, मस्जिद हटाने की मांग पर सुनवाई आज भी जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश की जा रही दलीलें कल भी जारी थी और आज भी इन दलीलों को लेकर के बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी जाएगी। हाईकोर्ट 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करा। आपको बता दें 18 अर्जियां डाली गई हैं, उन सभी पर एक साथ सुनवाई हाईकोर्ट में हो रही है। आज दोपहर 2 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई फिर से शुरू हो जाएगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार दलीलें रखी जा रही हैं, पहले दलीलें सुनी जाएंगी, उसके बाद अपील की गई थी सबसे पहले और अपील पर अब दलील दी जा रही है। दलील के बाद कोशिश ये कि किसी तरीके से इस मामले को सुलझाया जा सके, इसलिए 18 जो अलग अलग मामले हैं उनको एक साथ सुनने की हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज 2 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये बड़ी सुनवाई होने जा रही है, जिस पर नजर हमारी लगातार बनी रही। फरुखाबाद माघ मेला रामनगरिया में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों से कल्पवासियों की झोपड़ी में ये आग लगी है। जानकारी निकलकर सामने है 12 से ज्यादा कल्पवासियों की झोपड़ी जलकर खाक हो गई है। आग की चपेट में आने से 6 से ज्यादा लोगों की झुलसने की खबर सामने आ रही है। झोपड़ियों में रखे गैस सिलेंडर फटने से यह आग फैली है। बरेली इटावा हाईवे पुल के नीचे ये भीषण आग लगी है। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग से झुलसे लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कादरीगिरी क्षेत्र के रामनगरिया माघ मेला क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल मेला श्री रामनगरिया क्षेत्र में आधी रात को भीषण आग लग गई। तस्वीरें देख रहे हैं जिससे कई गैस सिलेंडर तो फटे ही। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। एक करीब 12 वर्षीय बच्चा इसमें लापता हो गया है और कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बातें निकलकर सामने आई। मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, ये आग इतनी भीषण कैसे लग गई, क्या कारण रहा इस आग के लगने का? देखिए अंकित जी, बताना चाहूंगी फरुखाबाद के पांचाल घाट मेले पर जो माघ मेला लगता है, रामनगरिया लगता है, यहाँ गंगा तट पर जो है साधु संत जो होते हैं कल्पवास करते हैं, वहीं यहाँ रात में जो है झोपड़ी में आग लग गई। आग जो है गैस सिलेंडर से लगी है। आग लगने से करीब आधा दर्जन लोग आग की चपेट में आ गए। भाई झोपड़ियों में रखे गैस सिलेंडर जो है वो जलते नजर आए। वहीं आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इटावा बरेली हाईवे पुल के नीचे जो एक गंगा तट के नीचे आग फैल गई। तेज हवाओं के चलते जो कल्पवासियों ने जो झोपड़ियों में आग फैली करीब, उसमें जो है कई लोग आग की चपेट में आके उनको तुरंत जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए भिजवाया गया। वहीं सूचना मिलते जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के साथ जो है भारी पुलिस बल वहां पे पहुंच के जो है राहत बचाव कार्य में लग गया। जी अमित, ये पूरी घटना में जो लोग घायल बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है, जो लोग झुलस गए हैं? अभी तक जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 7 लोगों को भर्ती कराया गया, जो लोग झुलस गए थे, वहीं जो है इनका उपचार वहां पे चल रहा है। जी सभी का उपचार चल रहा है और अभी कारण का कुछ अता पता नहीं लग पाया, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं बेहद भयानक तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। किसी की जान हानि की खबर या किसी प्रकार के ज्यादा नुकसान की खबर सामने आ रही है, जैसा कि झोपड़ियों में आग लगी है ऐसी भी जानकारी आ रही है?
देखिए सबसे बड़ी बात है जहाँ पे अभी जो प्रतीत हो रहा है वहाँ पे जो है गैस सिलेंडर से आग लगी, आग तेज हवा चल रही थी, उसने कई जो वहाँ पे झोपड़ियां राउटी बनी थी, आग को विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं जो है अफरा तफरी मच गई वहाँ पे जो है, जो करीब 7 लोग घायल थे उनको तुरंत पहुंचकर जो है उनको डॉक्टर रामलो लोहिया अस्पताल भिजवाया गया। वहीं पे आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ में जो है डीएम फरुखाबाद में पहुंच कर जो है वहां पे बचाव कार्य शुरू किया, 7 लोगों को डॉक्टर रामलो लोहिया में भर्ती कराया गया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित ये तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर की तरफ ले चलते हैं, खबर लखनऊ से है जहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय कांग्रेस का दल पहुंचा है। वहीं अखिलेश यादव से मिलकर भारत जोड़ो नया यात्रा का न्योता देने के लिए खुद अजय राय भी वहां पहुंचे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ कई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दल में शामिल नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गठबंधन के बाद तस्वीर साफ हो रही है कि कांग्रेस के नेता अब सपा कार्यालय पर भी नजर आने लगे हैं। तो यानी दोनों पार्टी के मिलन में कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं का भी मिलन हो जाता है और यही तस्वीरें फिर सामने आती हैं। जब तक गठबंधन नहीं था तब तक कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी और जैसे ही गठबंधन हुआ एक दूसरे के कार्यालय पर जाने का सिलसिला जो है बदस्तूर जाने। तस्वीरें लखनऊ से कार्यालय की हैं। नहीं, आज हम सब लोग यहाँ आए थे सम्मानित अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का पत्र लेकर और अखिलेश जी को इन्वाइट करने के लिए कि 25 तारीख को आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी की यात्रा में शामिल हों और इंडिया गठबंधन की मजबूत स्थिति का संदेश पूरे देश और प्रदेश में देने। फिलहाल